गुड मॉर्निंग क्लास नर्सरी बच्चों, सब्जेक्ट है आपका इंग्लिश। तो चलिए आप भी अपनी इंग्लिश बुक के साथ साथ इंग्लिश कॉपी खोल लीजिए और इसमें देखिए। और बच्चों, कल हमने आपको आपकी कॉपी में मैच द पिक्चर विद करेक्ट लेटर करने को दिया, और आज आप देख लीजिए, आज आपको अपनी इंग्लिश की कॉपी में मिसिंग लेटर फिल करने हैं। तो सबसे पहले आप आज की डेट 10 अगस्त 2021 डालवा लीजिए, और फिर लिखवाएंगे आप फिल द मिसिंग लेटर। और अभी तक बच्चों आपको ए टू यू लेटर लिखने आ गए होंगे, तो आज हम आपको यहाँ पे मिसिंग लेटर कुछ देखिए, यहाँ पे आपको ए कुछ लेटर्स दिखाई दे रहे हैं ना, तो आपको ए टू यू लेटर्स यदि लिखने पढ़ने आ गए हैं तो आप इन्हें आसानी से जल्दी से फिल कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे हैं, सबसे पहले बताइए कौन सा लेटर है। यहाँ पे है लेटर ए, और फिर देख लीजिए यहाँ पे क्या है, स्पेस दिया गया है, क्योंकि उसके बाद यहाँ पर देखो कौन सा लेटर लिखा है, सी, सी फॉर कैट। तो बताइए ए के बाद कौन सा लेटर आएगा, ए के बाद आएगा यहाँ पे लेटर बी, बी। इस तरह से आप खुद कोशिश करेंगे इन लेटर्स को फिल करने की। और फिर देखो यहाँ पे फिर है सी, और फिर स्पेस दिया गया है खाली स्पेस, और फिर है लेटर ई। तो यहाँ पर बताइए लेटर सी के बाद कौन सा लेटर आएगा, तो यहाँ पर आएगा लेटर डी, डी फॉर डॉग। और फिर देखो फिर है यहाँ पे लेटर ई, और ई के बाद कौन सा लेटर आता है, ई के बाद आता है लेटर एफ, एफ फॉर फिश। और फिर देख लीजिए यहाँ पे है लेटर जी, और जी के बाद फिर स्पेस दिया गया है, जी और आई के बीच में कौन सा लेटर आएगा, यहाँ पे आएगा लेटर एच, एच फॉर हैंड। फिर देखो आई, और आई के बाद फिर है स्पेस दिया गया है, तो बताइए आई के बाद कौन सा लेटर आएगा, आई फिर आएगा जे, जे फॉर जग, जी। इस तरह से लिखेंगे ना आप, जे लाइन में लिख लीजिएगा, थ्री स्लीपिंग लाइन में आता ना आपका लेटर जे, इस तरह से जे। जे के बाद देखो यहाँ पे लेटर के लिखा हुआ है, के लेटर के बाद फिर स्पेस दिया गया है, तो जे के बाद के बाद कौन सा लेटर आएगा, एल, एल फॉर लॉयन। फिर है लेटर एम, एम ओ के बीच में आएगा एम, एन, एन फॉर नोज, एन। फिर है ओ, ओ के बाद आएगा लेटर पी, पी फॉर पेंसिल, पी फॉर पेन। फिर देखो पी के बाद यहाँ पे लेटर लिखा है क्यू, क्यू के बाद आएगा आर, आर फॉर रोज, आर फॉर रेन। फिर है लेटर एस, और एस के बाद भी फिर देखो स्पेस दिया गया है, तो एस के बाद आएगा लेटर टी, टी फॉर टाइगर, टी फॉर टीथ। तो यहाँ पर देख लो एस के बाद है यहाँ पे आएगा लेटर टी, और फिर यहाँ पे लास्ट में देखो लेटर कौन सा है, यू। तो इस तरह से आपको भी मम्मा से इन लेटर्स को लिखवाना है, और जो लेटर यहाँ पे मिसिंग है वो आपने खुद फिल करने हैं। तो इस तरह बच्चों आज आप ए टू यू के बीच में जो मिसिंग लेटर हैं, कुछ मिसिंग लेटर दिए गए हैं, उन्हें फिल करने की कोशिश करनी है। तो चलिए ये काम आप अपनी इंग्लिश की कॉपी में कर लीजिए। ओके बच्चों, थैंक यू।